प्राप्त होगा। चंद्रमति अध्याय 5 पद संख्याएं 4। जब हम प्रभु यीशु के पवित्र हृदय के बारे में मनन चिंतन करते हैं, तो हम यीशु का हृदय प्रेम, शांति, दया, क्षमा और अनुकंपा से भरा हुआ पाते हैं। चंद्रमति रचित सुसमाचार में हम पाते हैं, थके मने और भूख से दबे हुए लोगों, तुम सभी मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मेरा जुआ अपने ऊपर ले लो और मुझसे सीखो, मैं स्वभाव से नम्र और विनीत हूँ। हे यीशु के सत्य पवित्र निर्मल हृदय, तेरा प्रेम असीम है, लेकिन तेरे पवित्र हृदय को उस प्रेम के बदले मनुष्यों से आज निंदा और अपमान के कांटों का दर्द सहना पड़ता है। उस हृदय को सिर्फ मैट्रिक मेरी को दिखाते हुए तुमने कहा, देखो मानव जाति को सबसे अधिक प्यार करने वाला हृदय और प्यार वापस नहीं पाने वाला हृदय। तेरे कोई भी हृदय के प्रेम में बने रहने के लिए तूने संत मैट्रिक मेरी से कहा कि हर एक घर परिवार में पवित्र हृदय की संस्कृति स्थापित करके उनके आदर में प्रार्थना करें। जब यीशु के हृदय में संपूर्ण मानव जाति के लिए प्रेम है, यीशु के हृदय में सारी मानव जाति के प्रति असाध प्रेम झलक रहा है। तूने अपने प्रेरितों के पैर नम्र होकर धोए, नम्र का चिन्ह सारी मानव जाति के लिए प्रेम का उदाहरण दिया। पवित्र हृदय के प्रति समर्पण हे हमारे यीशु, हम अपने हृदय का धन्यवाद दिखाने और अपने भूल चुकों को सुधारने के लिए तुझे अपना हृदय और अपना सब कुछ सौंप देते हैं। हे यीशु, हम बड़ी दीनता से परम कुमारी मरियम हमारी माता और तेरी माता के द्वारा तुझसे यह विनय करते हैं कि हमें अपना आशीर्वाद दे। हे विनम्र हृदय के प्रभु, आज हम उन टूटे परिवारों के लिए प्रार्थना करते हैं जहां हर रोज अशांति बनी रहती है, जैसे झगड़ा, ईर्ष्या, द्वेष एवं घमंड की अखंडता बनी रहती है। प्रभु आपने अपने चेहरों से कहा तुम्हें शांति मिले, आज वो शांति सभी टूटे परिवारों में प्रदान कर और हर प्रकार की नकारात्मक विचार निकाल दीजिए और आपके प्रेम, दया, क्षमा और अनुकंपा से भर दीजिए, ताकि वे लोग पवित्र हृदय के नजदीक आ सके। आमीन।